अरे भाई चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, हमारे नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, तमाम लोग छोड़कर आ रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो मनमोहन सिंह जी मुसलमानों को दे देंगे, आपकी भैंस खोल दी जाएगी, आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, कौन कह रहा था? अरे अपने मंगलसूत्र मोदी जी संभाल लेते हैं। मोदी जी कौन? मोदी जी हिंदू मुस्लिम। शर्म कीजिए आप, पत्रकारों को भी शंख पुष्प खिलाना पड़ेगा मोदी जी की तरह। आप पत्रकार भी अरे सुन तो लो, सारे इंडिया में अभी देखिएगा जो एनडीए गठबंधन है, सब लोग छोड़कर इंडिया गठबंधन में आएंगे, एनडीए छिनबिन हो जाएगा, अली बाबा 40 चोर की टोली में फूट पड़ेगा। लेकिन स्मृति ईरानी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही की बहन का साथ तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक उसकी अर्थी ना उठ जाए। देखिए बहन का तब तक घर में होता है, वो कहती है कि मैं बेटी हूँ। हाँ। बेटी अपने मायके में तभी तक होती है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। हाँ। अब उनकी शादी तो ऑलरेडी सहेली के पति से कर ही चुकी हैं। हाँ। तो अपने ससुराल जाएं। हाँ। अमेठी की जनता ने उनको सम्मान विदाई कर दिया है। हाँ। इंडिया गठबंधन ज्वाइन। देखिए नीतीश कुमार जी बिहार के बेहतरी के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। हाँ। चूंकि भाजपा सरकार ने 10 साल मोदी की सरकार के साथ वो गठबंधन में रहने के बावजूद केंद्र में मोदी सरकार 10 सालों से है। हाँ। बार बार नीतीश कुमार जी थे। हाँ। लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिला। हाँ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उचित प्रतिनिधित्व बिहार को दिया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी मोदी जी का फोन नहीं उठा रहे। निश्चित तौर पर फोन क्यों उठाएंगे? मोदी जी ने जिस तरीके से बिहार को अपमान किया है, बिहार के लोगों को छला है, तो नीतीश कुमार जी की नैतिक जवाबदेही बनती है कि वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में चुनाव तो साथ लड़े। देखिए चुनाव लड़ना एक अलग इशू है। हाँ। किन परिस्थितियों में लड़ा गया। हाँ। किन परिस्थितियों में नेता लोग एनडीए गठबंधन के साथ गए। हाँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अब आज की रात जो है वो तमाम राजनीतिक दलों के जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तमाम जो प्रशासनिक दबाव था उससे मुक्ति का दिन है। और आज वाकई अभी भी तो एनडीए की ज्यादा सीटें हैं ना सारे इंडिया में। अभी देखिएगा जो एनडीए गठबंधन है। हाँ। सब लोग छोड़कर इंडिया गठबंधन में आएंगे। हाँ। एनडीए छिनबिन हो जाएगा। हाँ। अली बाबा 40 चोर की टोली। हाँ। में फूट पड़ेगा। लेकिन स्मृति ईरानी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही कि बहन का साथ तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक उसकी अर्थी ना उठ जाए। देखिए बहन का तब तक घर में होता है, वो कहती हैं कि मैं बेटी हूँ। हाँ। बेटी अपने मायके में तभी तक होती है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। हाँ। अब उनकी शादी तो ऑलरेडी सहेली के पति से कर ही चुकी हैं। हाँ। तो अपने ससुराल जाएं। हाँ। अमेठी की जनता ने उनको सम्मान विदाई कर दिया है। हाँ। लेकिन कह रही जब तक अर्थी नहीं उठती साथ नहीं छोड़ा जाता। अर्थी तो ससुराल से उठेगी ना, मायके से थोड़े ना उठेगी। ये कौन सा कल्चर अपना रहे हैं? और वो 13 रुपए किलो चीनी उसे बेटी से मांग रही है वहाँ की जनता, अमेठी की जनता। तो बेटी का शादी के बाद अर्थी उसके ससुराल से उठता है तो वो जाएं। हाँ। अपने ससुराल। बधाई दे रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता को जो जीते हैं वहाँ से। निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सपा के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं पर हमले करवाए थे। हाँ। गाड़ी के शीशे तुड़वाए थे। बधाई दी है। हमारी भी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। हाँ। आप कभी हमारी गाड़ी का फोटो लेकर देखें। गाड़ी भी तोड़ दी। हाँ, भाजपा के गुंडों ने प्रशासन के साथ मिलकर जिस तरीके से वहाँ कार्यालय पर हमला किया और गाड़ियों में तोड़फाड़ की, इससे अमेठी की जनता और उद्वेलित हो गई। क्या यूपी में तो लॉ एंड ऑर्डर? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है भैया? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? कानपुर की घटना होती, हाथरस का घटना होता, उन्नाव का घटना होता, आप बताओ कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? बाबा जी के पुलिस वाला सोना व्यापारी से सोना चांदी लूटते हुए पकड़े गए। क्या इस बार बाबा और बुलडोजर का जादू नहीं चला यूपी में? देखिए बाबा का काम जंगलों में है। हाँ। मंदिरों में है। हाँ। वो अध्यात्म का ज्ञान बांटने के लिए है। हाँ। राजयोग के लिए बाबा नहीं होते ना। हाँ। वो साधु हो ही नहीं सकता। हाँ। जो राज करने के लिए नहीं होता ना साधु। साधु हमारे हिंदू धर्म में साधु संत मतलब होता है जो संतुलन बना कर रखे, जिसका ना कोई दोस्त हो ना कोई दुश्मन हो। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ ने, आप जब किसान आंदोलन हुआ था आपने देखा था, लखीमपुर खीरी की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए तो दे रहा हूँ ना, उन्होंने वहाँ के गुंडा मवाली जिसके बेटे ने वहाँ के किसानों की गाड़ी चलाकर हत्या की थी उसको हार का मुंह दिखाया। लेकिन अमित शाह जी ने तो बोला था कि केनी को जीता उसको और बड़ा आदमी बनाऊंगा, माने और ज्यादा आदमी को कुछ लेगा और बड़ा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। अब देखो गोंडा में क्या हुआ, जो देश की पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोपी थे, भाजपा ने उसको टिकट न देके उसके बेटा को दे दिया। हाँ। और उसके काफिले ने वहाँ युवकों की जान ले ली। तो उत्तर प्रदेश के लोग आक्रोशित थे। हाँ। तो क्या लग रहा है, तो जिस तरीके जो है
बनारस में बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है। देखिए मोदी जी, अगर चुनाव आयोग का सहारा और स्थानीय प्रशासन का सहारा ना लिए होते तो मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाता। वहाँ के जो उनके इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनके चुनाव चिन्ह पर स्टिकर लगाकर वोटरों को डरा धमका कर, मैं बनारस भी गया था, बनारस में देखा लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा था, बैरिकेड कर दिए गए थे ताकि लोग वोट के लिए जा ना सकें। जो विरोधी पक्ष के लोग थे उनके वोटर लिस्टों से नाम काट दिए गए थे, ऐसे कई उदाहरण हैं। क्या लग रहा था अंजना कश्यप कह रही थी भाई विपक्ष को जगह देने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है, क्या आप दिखाएंगे? देखिए सच की एक बहुत बुरी आदत है, हाँ। कि सच जो है वो जब सूर्योदय होता है तो अंधेरा हट जाता है, हाँ। तो सच की भी ऐसा ही होता है, हाँ। कि जो सच है, हाँ। वो झूठ को चीरता हुआ, हाँ। आगे बढ़ जाता है, हाँ। तो सच कहाँ जाएंगे? तिहार में जाएंगे, हाँ। और कहाँ जाएंगे? पत्रकार है, तिहार क्यों जाएंगे? आप तो बोल रहे गए नहीं थे। अरे भाई गए नहीं थे, रंगदारी मांगते हुए तो तिहार गए थे। जो इन्होंने झूठी खबरें फैलाई है, कभी आप सुधीर चौधरी जैसे तिहारी को देखा, हाँ। कि मणिपुर पर सवाल करता हो, डीएनए करता, हाँ। हो, प्रज्वल रमन्ना पर करने की हैसियत नहीं है। सारे पर। अच्छा प्रज्वल रमन्ना का सच्चाई है कि झूठ है? वो कौन सी महिलाएं हैं जिसके बलात्कार के बाद उंगली काट लिए जाते थे, जिसका वीडियो बनाया जाता था? तो सुधीर चौधरी ने अगर माँ का दूध पिया तो जिस माँ के स्तन से दूध पिया, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया, उस महिला का तो सम्मान करता तिहारी? उसका पत्रकार है, फिर वही बात पत्रकार है। हम क्या कह रहे हैं, 3,000 से अधिक महिलाएं, 45,000 लड़कियां गुजरात से गायब हैं। कभी उस पर डिबेट किया, कभी कानपुर की घटना पर डिबेट करते देखा, कभी मणिपुर की घटना पर डिबेट करते देखा, तो वो तिहारी भाजपा का भांड है और वो दो कौड़ी का लुचला फंगा पत्रकार है, उसकी बात को हम लोग सीरियस नहीं लेते। जा रहा है, आप कह रहे हैं हम सरकार बन रही है, लेकिन ये मीडिया में दिखाया जा रहा है कि मोदी जी फिर पीएम बन रहे हैं, तो इसकी बात देखो, हाँ। ये देश की जनता की सरकार बनेगी, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। आप लोगों ने तो आप तो इंडिया का सुपरा साहब बता रहे थे, 420 405 पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत। अरे कोई एग्जिट पोल नहीं था, मोदी पोल था। वो हिरण जोशी पीएमओ से भेजते हैं, वही जो व्हाट्सएप पर भेजते हैं वही वो परोसते हैं, हाँ। वो मुर्गी लड़ाते हैं, हाँ। तो मुर्गी लड़ाने का काम नहीं हुआ ना, जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अंजना कश्यप ने कहा कि आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है डिबेट में। क्या कर लेंगे, सच्चाई को कब तक रोक लेंगे, हाँ। क्या आप किसी के प्रतिभा को रोक पाएंगे? एक ना मैंडेट आया था इसके खिलाफ, ये मैंडेट भाजपा सरकार के जुल्म का, कुकर्म का के ऊपर प्रहार है। जो इन्होंने जो 16,00,000 करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपतियों के माफ किए, अगर वही 16,00,000 करोड़ रुपया, हाँ। अगर देश के किसानों के माफ होते, हाँ। तो देश के किसान आत्महत्या नहीं करते, हाँ। देश के किसानों का, हाँ। अगर MSP लागू करते, हाँ। तो देश के किसान मजबूर ना होते, हाँ। वो 16,00,000 करोड़ रुपया, हाँ। देश के 16 करोड़ युवाओं को, हाँ। अगर 1,00,000 रुपया देते तो युवाओं को हौसला बढ़ता, जो युवा देश की रीढ़ हैं उनका घर परिवार संभलता, 30,00,000 सरकारी पद खाली हैं। अगर मोदी जी को आप धन्यवाद दीजिए, काहे के लिए, हाँ, फिर पीएम बन रहे, युवाओं को बेरोजगारी देने के लिए 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाँ। और मोदी जी को क्या धन्यवाद दें कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए, हाँ। आप तो चटोरे की तरह आपने रिश्वत ले ली वैक्सीन कंपनियों से, हाँ। और देश की आवाम को मौत के मुंह में ढकेल दिया। आप टेलीफोन कंपनियों से चंदा लिया, रिश्वत लिया, और आपने 12 महीने का 13 महीना बना दिया। आपने तमाम सटोरियों से पैसा लिया, शराबियों से पैसा लिया। स्मृति ईरानी आपको बधाई दे रही, तो आपको तो बीजेपी को देना चाहिए ना, मोदी जी को बधाई जरूर देना चाहिए। देखिए मैं मरते दम तक, हाँ। बीजेपी को बधाई नहीं दे सकता, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, हाँ। जो पाकिस्तान को जाके बधाई दे दूँ, हाँ। पाकिस्तान में जाके केक काट लूँ, पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाऊँ, पाकिस्तान से साड़ी लाऊँ, पाकिस्तान से साल लाऊँ। पंकज जी पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हो रही थी, आप खुद पाकिस्तान कह रहे हैं, अभी मैं कह रहा पाकिस्तान पे सवाल नहीं किया, आप पाकिस्तान कहने लगे। अरे आपने पूछा सो कह रहा हूँ, हाँ। दुश्मन तो दुश्मन होता है, हाँ। जो देश के साथ नहीं, हाँ। वो हमारा दुश्मन। लल्लू सिंह भी वहाँ से हार गए, हाँ। अयोध्या के हिंदुओं के ऊपर, हाँ। बनारस के हिंदुओं के ऊपर, हाँ। खुद स्कंद पुराण में वर्णित जो मंदिरें थी, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा हमने नहीं देखा, लेकिन हमने आधुनिक भारत के औरंगजेब देश के नरेंद्र मोदी को देखा, हाँ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा। सुने अरे सुन तो लो, स्कंद पुराण में वर्णित मंदिरों को तोड़ा अगर किसी ने, हाँ। तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने तोड़ा, हाँ। हमने देखा, हाँ। हमने सुना, हमने पढ़ा, हम बनारस जब गए तो उन मंदिरों को तोड़ा गया जो हमारे पुराणों में है। औरंगजेब के साथ नाम जोड़ अरे भाई कौन तपस्वी है भैया, तपस्वी कौन होता है? अरे तपस्वी किसको कहते हैं? मोदी जी है ना, वो स्वामी विवेकानंद के स्टेचू के पास गए। स्वामी सुन तो लो,
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हम उसी वंश से आते हैं, हम उनके वंशज हैं, हमें गर्व है कि हम स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस के वंश में जन्म लिए, जिन्होंने कहा था कि धार्मिक कट्टरता कई सभ्यताओं को लील गया। पर ये ना उनके शिकागो वाले बयान को क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? अरे भाई अरे सुन तो लो, क्या कह रहे थे मोदी जी ने कहा जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन संन्यास ले लूंगा। बयान सुनाऊं आपको? क्या कह रहे मनमोहन सिंह जी मुसलमानों को दे देंगे, आपकी भैंस खोल दी जाएगी, आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। कौन कह रहा था? अरे अपने मंगलसूत्र मोदी जी संभाल लेते हैं। मोदी जी कौन? मोदी जी हिंदू मुस्लिम। शर्म कीजिए आप, पत्रकारों को भी शंख पुष्प भी खिलाना पड़ेगा मोदी जी की तरह। आप पत्रकार भी अरे अरे सुन तो लो। अरे भाई चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, हमारे नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, तमाम लोग छोड़कर आ रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो क्या नीतीश कुमार को पीएम बनाएंगे अब? देखिए पीएम तो नवनिर्वाचित सांसद तय करेंगे, ये हम नहीं तय करते। लेकिन नाम तो उठ रहा है ना नीतीश कुमार जी। मैं क्या बोला आपको? नीतीश कुमार जी ने बोला ना पीएम कैंडिडेट है नीतीश। देखिए निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय नेता हैं और उन्हें उचित सम्मान मिलेगा और उनके इंडिया गठबंधन को समर्थन करने के कारण बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा, दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा, मुजफ्फरपुर भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा। जेडीयू लगातार कह रहा है कि पीएम के दावेदार है, चेहरा है पीएम का। ये देखिए ये इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी तय करेगी, तमाम जो घटक दल हैं वो तय करेंगे। ये सवाल भविष्य के गर्भ में है, इसलिए इस पर आपको चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।